मेरे ख्याल से सर स्वागत है विपिन सर आपका इस प्रोग्राम में सफल कदम में, हार्दिक नमन और तहे दिल से थैंक यू सर, बोलों से थैंक यू। इस बेहतरीन इंसान का आज मैं स्वागत करता हूँ। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और सबसे पहले सभी को नमस्कार मेरा, जितने भी हमारे स्मार्ट वैल्यू के फैमिली है, जितने लोग सफल कदम में अभी जुड़े हुए हैं और जितने लोग काम कर रहे हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। मुझे होप है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड हेल्दी होंगे और आप और आपकी फैमिली इस सिचुएशन जो अभी चल रहा है आप स्वस्थ रहें। और मैं ये शुभकामना करूंगा कि आप मेरी तरह और तमाम जो लीडर है उनकी तरह आप खूब आगे बढ़े और सक्सेस का, आज मेरा प्रोग्राम है कल आपका प्रोग्राम है, तो मेरे तरफ से आप सभी लोगों को नमस्कार और आप सभी लोगों को बहुत ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग बहुत आगे बढ़े। थैंक यू। बोलिए सर। क्या बात है सर। तो आपको और रजत जी को रजत जी तो मैं बोलूंगा कि उनसे हमेशा मुलाकात होती रहती है, आपसे थोड़ा कम मुलाकात होती है, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपको देख के। नहीं नहीं साहब, रजत जी से ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे कम प्यार करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरे लिए सभी लोग मायने रखते हैं, सभी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। जी सर जी। तो हमारे एसोसिएट बहुत ही एक्साइटेड है सर, हमारे जितने भी एसोसिएट आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को वेलकम। तो यहाँ पे जुड़े हुए हैं सर और 1000 लोग से ज्यादा हमारे यूट्यूब पेज पे जुड़े हुए हैं सर, जो आपको सुन रहे हैं आज की तारीख में, और वो जरूर आपसे जानना चाहेंगे सर, बहुत सारी बातें जानना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं सर आज का प्रोग्राम, अगर आपका आदेश। बिल्कुल 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 सर बिल्कुल, मैं खुद आपसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बड़ा अच्छा फील हो रहा है। ये सबसे पहले तो नहीं, ये परिवार सर, स्मार्ट वैल्यू परिवार इतना अच्छा परिवार है कि मजा आ जाता है आप लोगों से बात करके। हम सारे एसोसिएट से, हम सारे लीडर्स, कंपनी पर्सन, सब एक से बढ़कर एक है, सब सपोर्टिव है, तो अच्छा लगता है। और ये अच्छा लग रहा है कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया सफल कदम को लेके, एंड आप जो एक एक लीडर्स का जो इंटरव्यू आ रहा है, लोगों को उनके बारे में जानने का मौका मिल रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड मुझे भी इंतजार था कि कभी ऐसा हो कि मुझे भी मौका मिले एंड आपसे बात करने का, एंड सारे जितने अपने एसोसिएट लीडर जो वर्क कर रहे हैं उनसे बात करने का मौका मिले, तो मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ आप लोगों से मिलके। थैंक यू सर, थैंक यू। और थैंक यू आपने अपने बिजी शेड्यूल में हमें वक्त दिया। मुझे पता है आज आप अलीगढ़ में हैं, ऑटो स्टेशन है, काम कर रहे थे, काम करके आज शाम को थके हुए हैं, फिर भी आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इसके लिए सर ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि एक लीडर जो कि इतना काम करने के बाद फिर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये एक एक खुद ब खुद एक अपने आप में एग्जाम्पल है हम सभी एसोसिएट्स के लिए कि काम, वर्क इज वर्शिप, धर्म ही पूजा है। ये एक एग्जाम्पल, एक वार्म एग्जाम्पल आप क्रिएट करते हैं सर हमारे सभी यंग एसोसिएट्स के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सर। तो सर शुरू का है सभी लोगों का। जी सर बिल्कुल। तो सर शुरू करते हैं आज के इस प्रोग्राम को, और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी ये जो पूरा माहौल चल रहा है, लेकिन हम जानना चाहेंगे आपको शुरुआत से, राइट, कि बचपन से अगर आज की तारीख पे देखें, कई साल बीत गए हैं, पुरानी बातें हैं, याद नहीं होंगी बट कुछ एक बातें जरूर याद होंगी, कि आपका बचपन कैसे गुजरा, आप कहाँ पैदा हुए, बचपन कैसा गुजरा आपका, आपके घर के हालात कैसे थे जब आप पैदा हुए, आपके शौक सारे पूरे होते थे बचपन में, जो बचपन बच्चों के शौक हुआ करते थे खेलने कूदने के, कि आपके वो सारे शौक पूरे हुए, आपने पढ़ाई कहाँ से करी, और पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई करने के बाद सभी का एक सपना होता है कि कुछ ना कुछ करूंगा, तो आपका क्या करने का मन था पढ़ाई करने के बाद, कि मैं पढ़ाई करने के बाद ये बनूंगा या क्या बनूंगा, आपका सपना क्या था, और स्मार्ट वैल्यू में आने से पहले आपने क्या काम करते थे, इसके बारे में जरूर हमारे एसोसिएट्स जानना चाहते हैं। सरजीत जी, मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट चाहूंगा आपसे कि बातें तो बहुत होंगी एंड बहुत सारे लोग उम्मीद भी रखे हैं कि आज कुछ बातें हो ताकि हम भी जो मेहनत कर रहे हैं इस जगह पे पहुंचे, लेकिन मेरे को लगता है कि सर थोड़ा सा मुझे अगर 5 मिनट का समय दिया जाए तो मैं चाहूंगा कि अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले उन तमाम लोगों का मैं एक बार जिक्र जरूर करना चाहूंगा जिसके कारण मैं इस जगह पे पहुंचा
चाहे हमारे सीनियर है चाहे कंपनी पर्सन है, एक मैंने एक लिस्ट बना के लेके आया, सोचा हूँ कि यार ठीक है बातें तो सर आप मेरे बारे में जानेंगे एंड बहुत सारे लोग आपके बारे में भी सर जानने का मौका मिलेगा, बहुत सारी बातें, लेकिन मुझे लगता है कि सर थोड़ा सा मुझे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा मुझे समय दिया जाए कि इस जगह पे जो पहुंचा, फिर मैं अपने बचपन के बारे में बताऊंगा कैसे आया क्या आया, तो आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा, लेकिन सर मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि नहीं यार एक सर लिस्ट बना के आया था कि हाँ बिल्कुल सर अगर आपका आदेश हो तो। नहीं सर आपको सर आप बिल्कुल जी सर मैं एक चीज लाइफ में सीखा हूँ सर, जितने लोग हमारे परिवार के लोग जुड़े हैं स्मार्ट वैल्यू परिवार के सफल कदम में, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि यार मेरे गुरुजी ने मुझे एक ही चीज सिखाया कि जिसके लाइफ में गुरु नहीं उसका लाइफ शुरू नहीं। तो मुझे लगता है ना कि सर अगर कोई भी बंदा किसी जगह पे है तो वो अपने गुरु के कारण है, अगर गुरु नहीं होता तो इस जगह पे नहीं पहुंचते। आज अगर अर्जुन भी अगर धनुधर बना श्रेष्ठ तो मेरे को लगता है कि द्रोणाचार्य का उसमें सपोर्ट था या उनकी शिक्षा थी। तो मेरे को लगता है कि सर मैं बहुत लक्की पर्सन हूँ, मैं तो बोलूंगा कि मेरे को कंपनी अच्छी मिली, मेरे को अच्छे अपलाइन मिले, मेरे को अच्छे बिजनेस पार्टनर मिले, अच्छे क्लोज लाइन मिले, मैं तो क्रॉस लाइन उनको नहीं बोलूंगा क्लोज लाइन बोलूंगा क्योंकि मैंने उनसे भी बहुत कुछ देख के सीखा है। तो मेरे को लगता है कि सर सभी लोगों का सपोर्ट इतना रहा है लाइफ में कि आज इस जगह पे पहुंचा, और मेरे को लग रहा है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे इसमें बुलाया गया, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। तो ये जो है ना सर कि मुझे लगता है कि बिना उन लोगों के सपोर्ट के मैं इस जगह पे नहीं पहुंचता। सबसे पहले तो मैं जरूर बोलूंगा कि मुझे ये सिस्टम में जो लेके आए वो मेरे बड़े भाई थे मिस्टर देवेंद्र प्रसाद अग्रवाल, बहुत मैं उनको तहे दिल से सबसे पहले मैं उनको नमन करूंगा नमस्ते करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सर एक भाई के लिए मैंने हाँ, ये सुना है देवेंद्र हाँ, सर के लिए कि वो लीडर बनाने की फैक्ट्री है वो कोई ऐसी। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे ग्रुप तो पूरा ये जो ग्रुप है उसमें तो लीडर बनाने की फैक्ट्री यही है, और उनका बारे में जितना शायद बोलू कम होगा, लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा सर कि जितने लोग हमारे स्मार्ट वैल्यू के परिवार के लोग जुड़े हैं, आप बाहर का इतना इनवाइटी करते हैं ज्वाइनिंग के पीछे भागते हैं, यार कभी आप अपने घर में अपने भाई को अपने सिस्टर को उनको भी तो चांस दो। मेरे घर में सर कोई फैमिली मेंबर ऐसा नहीं बचा है कि जो इंसान जो है एसोसिएट नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक ब्लिप पॉइंट है या मेरे भाई के लिए ये मेरा बहुत बड़ा योगदान है कि उनको लगा कि यार कंपनी अच्छी है तो सबसे पहले मुझे अपने भाई को एडमिशन करवाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपके भाई बाहर में घूम रहे हैं धक्के खा रहे हैं नौकरी के चक्कर काट रहे हैं और आप इतना बेहतर सिस्टम रखे हैं और आप उनको आप बाहर इनवाइटीज ढूंढ रहे हैं। मेरे को लगता है कि भाई आप सबसे पहले ये बिजनेस सर अपने घर से शुरुआत करने की चीज है, जैसे हमारे कंपनी के प्रोडक्ट है पहले खुद इस्तेमाल करो फिर लोगों को बताओ। तो जो चाहे कंपनी का प्रोडक्ट हो चाहे एसोसिएट हो, मुझे ऐसा लगता है सर ये बिजनेस घर से स्टार्ट होनी चाहिए। तो मेरे को मैं जरूर एक चीज जरूर बोलूंगा कि सर उनका जो सपोर्ट रहा है क्योंकि आज इस प्रोग्राम में या इस जगह पे पहुंचा, तो मेरे को लगता है कि मेरे भाई का बहुत बड़ा योगदान है, और मैं तो बोला कि मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूं और मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि पहला बेसिक ट्रेनिंग मुझे मिस्टर अरविंद जायसवाल जी ने दिया था, तो मैं उनको भी दिल से नमन करता हूं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग से ही मैं इस जगह पे पहुंचा। बोलता है गुरु बहुत मायने रखता है, पहली गोल सेटिंग, पहला लिस्ट बिल्डिंग, पहला इन्विटेशन, साथ में चल के बाइक में बैठ के साथ में चल के फॉलोअप करना। तो मेरे को लगता है कि सर बहुत उनका सपोर्ट रहा है, और तालमेल सर बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है लाइफ में, अपलाइन और ग्रोलाइन के बीच में अगर तालमेल अगर आपका सही रहेगा ना तो आप 100% सक्सेस करेंगे। तो मुझे लगता है कि कभी भी उन्होंने जो प्यार उनका रहा है बहुत ज्यादा रहा है, मिस्टर सुजय दा के बारे में बोलना चाहूंगा कि पिछले लास्ट ईयर 4-5 साल से जो भी लेबल हुआ, मैं उनके थोड़ा सा एक थोड़ी सी बात जरूर बोलना चाहूंगा कि मैं हम लोग जा रहे थे जब मेरा लेबल नहीं बढ़ रहा था तो मैं और दादा हम लोग लंदन ट्रिप के लिए जा रहे थे। तो फ्लाइट में वेटिंग रूम पे हम लोग बैठे हुए थे एंड मैं बैठ गया उनके साथ में बगल में जाके, मैंने बोला दादा कैसे लेबल जंप करें, और मुझे अच्छा लगा कि हम लोग दोनों साथ में गए पूरे लंदन फ्लाइट में थे, 11 घंटा फ्लाइट में थे और पूरा उन्होंने प्लानिंग बताया, फिर मैं आके काम करना स्टार्ट किया और 5-6 सालों में काफी लेबल जो जंप हुआ। तो मुझे लगता है कि दादा का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, साथ ही साथ मैं सौभिक दास का भी दादा का नाम लेना चाहूंगा, बहुत उनका सपोर्ट रहा है।
बहुत माइंड ब्लोइंग पर्सन है और साथ ही साथ देवंजन दा का भी, उनका भी सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है। तो मेरे को लगता है सर, जिनके लाइफ में गुरु नहीं उनका लाइफ शुरू नहीं। अगर आपका गुरु से तालमेल अच्छा है तो आप 100% सक्सेस करेंगे। और साथ ही साथ सर, सेकेंड इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है कि सर, मेरे जैसा टैलेंटेड पर्सन मार्केट में बहुत है, मेरे से एजुकेटेड भी बहुत है, और हुनर की कमी वाले के भी कमी नहीं है। लेकिन सर, मायने रखता है एक अच्छी कंपनी, ये चीज जरूर मैं बोलूंगा। सर, मेरे को एक एग्जांपल दिया गया था कि यार, अगर तीन बीज है, अगर तीनों बीज के अंदर में सेम क्वालिटी है, और अगर वो तीनों बीज को हम हाथ में पकड़ते और फेंकते, पहला बीज जाके अगर पत्थर में गिरता है, दूसरा बीज उपजाऊ जमीन पे, तीसरा बीज बालू पे, हम देखेंगे कुछ समय के बाद पत्थर वाला बीज खत्म हो जाएगा, बालू वाला भी बीज खत्म हो जाएगा, पर उपजाऊ जमीन वाला बीज पेड़ बन जाएगा। तो क्वालिटी तो हम सभी के अंदर में है, इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा प्लेटफॉर्म। शायद आज 17 साल के बाद आज मुझे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रीजन है कि मुझे स्मार्ट वैल्यू जैसा प्लेटफॉर्म मिला। मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि यार, आज का डेट में जिस तरीके से मार्केट में बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे जा रहे हैं, वो कहावत है ना, आया राम गया राम वाला स्थिति है, लेकिन उस जगह पे हम 21 साल से खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे को लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है जिसके कारण इस जगह पे है। चाहे मैं बोलूं कृष्णमूर्ति सर का, त्रिमूर्ति सर का, या निर्मला मैडम जी का, या गौरव सर का, या इरशाद सर का, या अगर बात किया जाए रजत सर हो गए, हमारे APLL के कमल सर हो गए, प्रमोद सर हो गए, अमित सर हो गए, जो है सौरभ सर हो गए। स्पेशल थैंक्स मैं चेयरमैन सर को बोलूंगा कि जो हमारे हर सपोर्ट में खड़े रहते हैं। तो मेरे को लगता है कि ऐसा चेयरमैन मिलना बहुत किस्मत की बात है, बहुत लक की बात है। और साथ ही साथ मैं सुरजीत सर को बोलना चाहूंगा कि आप जैसा इंसान जब से आए यहाँ पे चेंज हो गया, सफल कदम प्रोग्राम हो रहा है, लोगों को, हम लोगों के बारे में जानने का मौका ऑल ओवर इंडिया को मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक स्ट्रांग, ये जो सिस्टम जो है वो काफी स्ट्रांग है। मैं एक मतलब यार, आदमी यहाँ पे 2-4 साल नहीं चल पाता, हम 20 साल तो ऊपर चल रहे हैं, ये कितनी बड़ी प्राउड की बात है। ये तो सिर्फ सर स्ट्रांग मैनेजमेंट है। तो ये मैं मैनेजमेंट को थैंक बोलना चाहूंगा कि हाँ यार, इतना शानदार मैनेजमेंट हम लोगों को मिला। और साथ ही हमारे बिजनेस पार्टनर, तमाम बिजनेस पार्टनर सर, आज तो मैं सर ये सिस्टम के माध्यम से सबसे पहले मैं शिवानंद जी का नाम लेना चाहूंगा, और आज उनका जन्मदिन भी है, तो शिवानंद जी आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं एक बार जरूर बोलूंगा कि आप लोग अगर YouTube पे है, या अगर आप लोग देख रहे हैं Zoom पे, तो Zoom पे भी 500 लोग कनेक्ट है। मैं चाहूंगा कि एक बार उनको जन्मदिन की बधाइयां आप लोगों की तरफ से मिलना चाहिए, और मैं लक्की हूं कि मुझे ऐसा बिजनेस पार्टनर मिला है। तो शिवानंद जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा मुरली जी का, बहुत ही स्ट्रांग लीडर है, दिलीप कुमार मेहता, अजय कुमार, भागीरथ जी जो नई अभी SUV खरीदने वाले हैं, मनोज हो गए, रणविजय जी हो गए, अजय दास, आपको SUV की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस माध्यम से कल ही उनका जो है SUV गाड़ी 15 जो मेरे को लगता है कि 25 लाख की आई है, तो उनको भी एक बधाई जानी चाहिए इस प्रोग्राम के माध्यम से, हमारे स्ट्रांग लीडरशिप में है इस जगह पे। निर्मल जी को जिन्होंने MG हेक्टर खरीदा, विकास जी, माया जी, अजय, जितेंद्र, चिंकू जी, अजय कुमार, विजय राणा, संतोष, हेमंत, अनु, पूजा, शिवम, अरविंद, राहुल, उत्तम, रत्नेश जैसे दिग्गज, जितना मैं अगर बोलूंगा शायद कम होगा। और सर लक्की, मैं एक जरूर बोलूंगा कि ये सिस्टम में एक साइड नहीं, दूसरे साइड भी मुझे बहुत स्ट्रांग लीडर मिले हैं। मैं बाहुबली उसको बोलता हूँ स्मार्ट वैल्यू का, मिस्टर अमित ठाकुर है, इजलेश है, शिवाजी है, अश्वनी है, राजेंद्र है, वंदना है, रामजीत है, कन्हैया लाल है, दीपक है, सीमा पाल है, चंदन है, अंकित है, साहबजाद है, शिवम है, रेशमा है, रूपेश है, रीना है, बबीता है, प्रियंका है, अभिषेक है, अंकुश पाल, राजेश, कुशनरा, राम कुमार, रवि वर्मा, सोनू वर्मा, वीरू यादव, रोशनी, राहुल यादव। शायद मैं यार अगर किसी का नाम छूट जाए, यार मैं बैठ के ऑलरेडी ट्रेनिंग में था, लिस्ट बनाया बैठा, अगर किन्हीं का नाम छूट जाए, आप सभी लोग मेरे लिए चाहते हैं, सभी लोग मेरे लिए प्यारे हैं। तो मेरे को लगता है कि मैं आप लोगों की क्या तारीफ करूं यार, आप नहीं होते तो मैं नहीं होता, मैं इतना जानता हूं। तो आपकी सपोर्ट, और साथ ही साथ सर मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, मैंने क्लोज लाइन से बहुत सीखा, क्रॉस लाइन नहीं सर, क्लोज लाइन है वो हमारे, तो उनसे भी बहुत सीखा। मैं राणा सरकार जी को नमन करना चाहूंगा, नमस्ते करना चाहूंगा, मैं विश्वनाथ भौमिक सर को नमस्ते करना चाहूंगा, सुमृतो कुंडू जी का लास्ट वीक मैंने उनका प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा बात लगा जब उन्होंने मेरे बारे में भी जिक्र किया तो बड़ा अच्छा लगा।
पार्थो भौमिक जी को बोलूंगा, एसपी सिंह, निमेश साहू, उमेश साहू, चिरंजीवी, प्रकाश जैसा बंदा प्रकाश, आपको एमजी हेक्टर की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुधन मंडल हो गए, आशीष भारद्वाज जी से मैंने बहुत कुछ सीखा अपने लाइफ में। अभी रिसेंटली अकबर जो है वो दिल्ली से काम कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि सर अगर मैं इस जगह पे हूं ना, मेरे को लगता है कि सर टीम बहुत मायने रखता है लाइफ में सक्सेस करने के लिए, एक अच्छा टीम। और अगर आपके अच्छे टीम है ना तो आप 100% सक्सेस करेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं सर, चाहे वो रमेश है, अश्वनी है, मैं बहुत सारे लोगों का सर अगर नाम गिनाने बैठूंगा तो शायद ये प्रोग्राम एंड तक पहुंच जाएगा। लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा, टीम है तो आप है, हम है, और एक चीज जरूर नाम के साथ एक चीज जरूर बोलूंगा, रिश्ता बना के चलिए। जितना आपका स्ट्रांग रिश्ता होगा उतना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। रिश्तों के बीच में खटास मत लाइए, बोलते हैं ना जहां रिश्ते खराब होते वहीं पे तीसरा बंदा को आने का मौका मिलता है। आपका अगर रिश्ता स्ट्रांग रहेगा तो कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो मैं लकी हूं सर, चाहे कंपनी पर्सन हो, चाहे हमारी कंपनी है, चाहे स्मार्ट वैल्यू, चाहे एपीएलएल, चाहे आप सभी मैनेजमेंट, या चाहे हमारे सारे एसोसिएट, किन्हीं का अगर नाम छूट गया जो है सौभिक दास के टीम से सर, जो है दादा के टीम से सुमित है, वो भी अच्छा काम करते हैं। मैं तो बोला सर कुछ लोगों का नाम लिखा, कुछ लोगों को मिस कर रहा हूँ, पर भाई अगर किसी का छूट गया हो तो हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भाई ऐसी कोई मेरी कोई मंशा नहीं है, प्रोग्राम है, हर किसी का नाम लेना शायद पॉसिबल नहीं है एक छोटे से प्रोग्राम में। आप सभी लोग मेरे लिए कीमती है। थैंक यू सर, आगे आप बताइए सर, आपके सवालों को मैं जरूर लूंगा सर। जी सर बिल्कुल, लाजमी है कि सारे नाम याद भी नहीं होंगे और सारे नाम हम इस प्रोग्राम में बोलेंगे तो भी प्रोग्राम सिर्फ नामों के साथ। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं सर, तो मेरा सवाल यही था आपसे सर कि बेसिकली अगर बात करें आपके बचपन की, तो आप पैदा कहाँ पे हुए सर, आपका घर कहाँ पे था, आपके घर के हालात कैसे थे, तो आपके पिताजी क्या करते थे, आपने पढ़ाई कहाँ से करी, और पढ़ाई के साथ आगे बढ़ने के लिए जीवन ऐसा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे सर। पहला तो मुझे लग रहा है कि मैं इससे क्या आपको जवाब दूं ना दूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। सरजीत जी, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि मैंने प्योर गांव का भी लाइफ देखा है जी, मिडिल क्लास लाइफ देखा है और आज हायर लाइफ भी देख रहा हूं। तो मैं ऊपर वाले को इसके लिए थैंक्स बोलूंगा कि आज ऊपर वाले ने मुझे हर लाइफ का मजा लेने के लिए भेजा कि देखा। फैमिली सर, मैं एक गांव से हूँ, शायद बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा सर, गिरिडीह के आगे मोदी डी मेरे गांव का नाम है। लोग सुनेंगे बोलेंगे यार कहाँ से है, तो उस जगह से गांव पे था मेरी घर जो है मिट्टी के थे शुरुआत में। और हालांकि जब बारिश होती थी तो घर के अंदर में पानी भी चला आता था, हमें बर्तन रखने पड़ते थे कि कहाँ कहाँ से पानी आ रहे हैं, तो बहुत समस्या थी घर के अंदर में। जब बारिश होती थी तो पानी घर के अंदर आ जाते थे, सोचना पड़ता था उस जगह पे ऐसा। तो बचपन सर वैसा कुछ नहीं रहा, शुरुआत में सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ाई किया। और मैं एक चीज आपको जरूर बोलूंगा कि मुझे पढ़ाई पे ज्यादा दिलचस्पी नहीं रहती थी, तो सरकारी स्कूल में जब मैं पढ़ाई करता था तो जो सीमेंट की बोरी होती है वो बैठने के लिए लेके जाता था, तो उस पे बैठ के पढ़ाई करता था। और जैसे ही जो हमारे टीचर्स आते थे और वो होमवर्क देते थे, तो होमवर्क देने के बाद वो सो जाते थे, और सोने के बाद मेरा काम क्या रहता था, वहां पे खिड़की होता था और मैं खिड़की से भाग जाता था, खिड़की फान के भाग गया, और दिन भर मैं खेलता था। शाम को जब सबकी छुट्टी होती थी तो सबके साथ वापस चला आता था। तो इंटरेस्ट ज्यादा खेलने पे मेरी रुझान ज्यादा रही, और शुरुआत में बैट बॉल नहीं हुआ करता था खरीदने के लिए पैसे, तो मैं क्या करता था, लकड़ी लेके जाता था, बड़ी के यहाँ बोलता भाई इसको बैट बना दे, तो बैट तो बन गया, बॉल आएगा कहाँ से। तो मुझे याद है कि हम लोग गांव के चार पांच लोग रहते थे यार, प्लास्टिक लेके आते थे, प्लास्टिक को गला के उसको बॉल बनाते थे और उससे हम लोग खेलते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके बचपन वहां से स्टार्ट हुआ। फादर ने देखा कि यार गांव में इसका कुछ नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने जो आपने अभी नाम लिया बोकारो, तो बोकारो में लेके आ गए जो है मुझे। और वहां पे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर देवनगर दुग्धा बोकारो, अगर पूरा स्कूल का नाम बोले तो वहां पे जाके एडमिशन हो गए। बड़ी मुश्किल से एडमिशन हुआ क्योंकि दिल कभी पढ़ाई में लगा नहीं, दिल हमेशा लगता था खेलने में और बदमाशी में। तो
मेरे को अभी भी याद है कि ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन मैं घर का कोई सामान ना तोड़ू। अगर मेरे फादर अगर शाम को काम करके आते थे और वो फार्मर थे और साथ साथ में कोयला का बिजनेस करते थे, तो जब कोयला का बिजनेस करके जब वो शाम को आते थे तो उनकी एक फेवरेट भगवान जी थे शंकर जी का, चिमनी मिट्टी का बना हुआ रहता था, और हर हफ्ते मैं बॉल खेल के उसको तोड़ना मेरा फिक्स था। वो टूट जाना या कुछ करना, वैसे जो है स्टार्टअप हुआ। एंड जब स्कूल में भी गया तो काफी जो शरारती बच्चों में मैं था, टीचर्स के जो है कुर्ता पैजामा में बूमर्स का जो स्टिकर आता था, पहले बूम बूम बूमर चलता था, तो उसके स्टिकर चिपका देना, टीचर आते ही पैर ऐसे करना ताकि डिस्टर्बेंस हो। स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट था तो क्रिकेट ज्यादा खेलता था, एंड साथ ही साथ अपने कबड्डी का मैं कैप्टन रहा स्कूल में। साथ ही साथ जो है मैं ताइक्वांडो जो है मार्शल आर्ट ताइक्वांडो, तो मैं सर ताइक्वांडो का उस समय ब्लैक बेल्टर हुआ करता था, मैंने ब्लैक बेल्टर तक किया, नेशनल भी खेला मैंने। तो स्पोर्ट्स में मेरा रुझान ज्यादा था। देन एंड देयर मेरे फादर को लगा कि अब ये यहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो बड़े भाई के पास में रांची भेज दिया गया, रांची एडमिशन करवा दिया गया, रांची में भी आया। तो सेम वही सिलसिला था, शाम को निकल जाना खेलना, ठीक है। तो मजा ज्यादा जो है मुझे खेलने में ज्यादा आता था, और दोस्तों के साथ में शरारत करना। और हमारे जो कॉलेज था, कॉलेज में के ठीक 100 कदम आगे ही पिक्चर हॉल था, तो हर फ्राइडे ये फिक्स था कि भैया भले पैसा किसी चीज की हो या ना हो, इकट्ठा कर लेना है। 15 रुपया 18 रुपया की टिकट आती थी और पिक्चर देखना जरूर है। तो पिक्चर मैंने बहुत देखा, क्रिकेट खूब खेला, और बहुत सारे चीजों को, कबड्डी होते थे या जो था 200 मीटर का रेस में भी मैं पार्टिसिपेट किया स्कूल के तरफ से, उसमें अवार्ड, तो वो कबड्डी का चैंपियन रहा, या ताइक्वांडो में वहां से जाके नेशनल अवार्ड लेके आए। इस तरीके के कामों में ज्यादा इंटरेस्ट था, ना कि पढ़ाई में। तो बचपन बड़ा अच्छा बीता है, एंड सभी सारे दोस्तों को, बचपन के मेरे सारे दोस्त, चाहे वो धर्मेंद्र जी रहे हैं, चाहे हिटलर रहा है, चाहे विकास रहा है, चाहे यशवंत रहे, बहुत सारे दिलीप जैसे बड़े बड़े अच्छे दोस्तों का सपोर्ट मिला, और हम लोग एक साथ में खड़े रहते थे। तो बचपन सर ऐसे ही बीता, कमियों में कुछ कमी रही, अगर कमी रही तो मैंने लाइफ में उसको, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश किया। एक शुरू से मेरी फितरत थी कि अगर यार यहाँ पे कुछ कमी है तो उसका अल्टरनेट मुझे ढूंढना है। मैं कभी उस जगह पे रुकने की कोशिश नहीं किया, चाहे छोटा था, चाहे बड़ा हो गया, चाहे आज भी है। अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम आता है, मैं उसको सर प्रॉब्लम नहीं समझता, पजल समझता हूँ। और मेरी आदत होती है कि भैया उसका अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में है तो मैं इतना जानता हूँ कि उसका सॉल्यूशन है। अगर कोई प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन है तो आप टेंशन मत लो, और अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन ही नहीं, तो फिर टेंशन लेने से क्या फायदा। तो मेरे को लगता है कि सर अगर प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के पीछे भागिए, और कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन ही नहीं है तो फिर टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं। आराम से रहिए, चिल रहिए, लाइफ में नॉर्मल रहा हूं, मुस्कुराते रहा हूं, ठीक है। कॉमेडियन बहुत कॉमेडी किया स्कूल के अंदर में, बच्चे इधर उधर बैठते थे, सब हंसते हंसते कितनी बार मेरे कारण पिटाई खा गए, क्यों किस लिए ऐसी बातें करना। तो मेरे को लगता है कि सर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यार लाइफ कितने दिन की है, हर किसी को लाइफ मिला है, वैलिडिटी है, किसी की 50 साल 60 साल 80 साल, अब आप पे डिपेंडेंट है। या तो आप रो के बिता दो, या तो हंस के बिता दो, या तो फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा पे बिता दो, या कुछ करके बिता दो, ये तो आप पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल, तो लाइफ तो आपको मिली, आप कैसे जीना चाहते हैं ये आप पे है। तो मैंने लाइफ में सर मुस्कुराना जाना है, और मैं बस मुस्कुराता हुआ रहूं। और मैं सारे लोगों को बोलूंगा कि यार टेंशन को हटा के यार लाइफ में खुश रहना पहले सीखिए। अगर आप लाइफ में खुश रहेंगे ना, सारे गोल ऐसे ही हासिल हो जाएंगे। टेंशन मत लीजिए कि किसी चीजों को लेके टेंशन है। बहुत शरारत किए, बहुत जो है स्कूल की बाउंड्री टूट गया, कौन मार खाया मैं स्कूल में सबसे ज्यादा, तो ऐसे ऐसे शरारत करते थे कि नाम ऊपर तक पहुंच जाता था। बोले काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, नाम ऐसा करो कि काम हो जाए, तो वो वाली हालत थी, ठीक है, कि कोई भी चीज करेंगे दिल से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ये वाली हालत थी। तो फ्रेंड सर्किल भी अच्छे थे जो है, और काफी अच्छा बचपन बीता है, और फादर से जितनी हो पाया उन्होंने किया है, नहीं वो कर पाए तो सर मैंने खुद से स्टार्टअप कर दिया। पहले मार्शल आर्ट सिखाता था लोगों को, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके जो भी कोचिंग करता था ताकि अपना खर्चा खुद से निकालू। कभी ब्लेम नहीं किया फैमिली को कि यार अच्छा फैमिली में पैदा नहीं हुआ या अंबानी फैमिली में पैदा नहीं हुआ। ये ब्लेम यार लाइफ में मुझे लगता है कि सर कमजोर लोग ही ब्लेम करते,
कमजोर आप मत बनाइए कि ब्लेम कीजिए। आप कुछ ऐसा कीजिए कि यार मेरे को लगता है कि सर मेरे माँ बाप ने मुझे इस दुनिया में लाया, इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती है। मैं तो अपने मम्मी पापा को नमन करूंगा कि उन्होंने मुझे इतनी खूबसूरत लाइफ दिया, अब इस लाइफ को कैसे मुझे अच्छा बनाना ये तो मेरे पे डिपेंडेंट है। अगर मेरे दोस्त देने से मेरे पास सर बाइकें नहीं आ जाएंगी, या मैं अपने माँ बाप को बोलूंगा तो गाड़ी नहीं आ जाएगी या घर नया ही आ जाएगी, तो मैंने इस चीजों को समझा, एक जिम्मेदारी लेने की कोशिश किया फैमिली को शुरुआत में, और आगे की सर बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सर मस्त रहिए, मैं इतना जरूर बोलूंगा सभी को। सर बताइए सर बचपन के बारे में, तो और अगर आप कुछ पूछेंगे तो मैं जरूर बता दूंगा। पढ़ाई में मैं सर पढ़ाई में मैं टॉपर नहीं था सर, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, ठीक है सच बात है सर, लेकिन बचपन आपका बड़ा शैतानी भरा बीता है, मजा आता था सर, मजा आता था बिल्कुल सच बात है, बचपन सबका प्यारा होता है सर, सब चाहते हैं कि सर मैंने स्कूल में बंक मार के मूवीज देखने के लिए गया, टीचर ने पूरा जो प्रेयर का कैंप होता है उस पे खड़ा करके मेरे को सजा मिला, स्कूल निकलता था मूवीज देखने के लिए चला गया, लाइफ में कोई भी मजा की चीज कभी मिस नहीं किया सर यार, बाद में जो है खुल के जियो, मेरा तो एक ही चीज कहना जो है सर खुल के जियो यार, अफसोस करने से बाद में क्या फायदा कि मैं ये नहीं कर पाया वो नहीं कर पाया, तो खुल के जिए ना, तो वो शुगर मेरे जो है नंबर अच्छे आते थे, भले मेरे को इंटरेस्ट नहीं था तो वो मेरे टीचर को सुनाते थे कि ये तो दिन भर पढ़ता नहीं फिर इसका नंबर कैसे अच्छा आ जाता है, तो पापा तो चाहते थे कि यार जो है मेरा बच्चा पढ़ाई करे एंड जो है एक अच्छा नौकरी करे, एक जॉब अच्छा करे मतलब, लेकिन मेरी हालात को देख के वो मेरे को एक बात जरूर बोलते थे, मेरे को लगता है सर पूरी फैमिली किसी को विश्वास नहीं था कि ये कुछ करेगा, सच मैं बता रहा हूँ, मेरे फादर तो बोलते थे तू बेटा ना पक्का कप प्लेट धोएगा होटल के अंदर, ये मेरे फादर मेरे को बोलते थे तू कुछ नहीं करेगा, देख फलाने का लड़का यहाँ आगे बढ़ गया वो इसके इतने नंबर आए, तेरे नंबर देख के तो मेरे को लगता है कि तेरा कुछ नहीं होने वाला, तू जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, ना फादर बिलीव करते थे ना मदर बिलीव करती थी ना मेरे चाचा जी बिलीव करते थे, कोई भी नहीं, सबको लगता था ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये स्थिति थी। लेकिन एक चीज है सर लाइफ में कब कौन बंदा क्या सीरियस होके क्या कर सकता है ना, आप किसी की क्षमता के बारे में नहीं जानते, तो वो लोग बोलते थे मुझे, मैं सर हंस के टाल देता था, मैं ये टेंशन नहीं लेता था यार मेरे को बोल दिया, मैं मेरे फादर मेरे को बोल रहा है मैं कप प्लेट दूंगा इसका मतलब मैं नौकर बन जाऊंगा, तो मेरे को लगा यार कोई दिक्कत नहीं यार, फादर का काम है बोलने का बोलने, तो अपना तो काम है काम से जवाब दे। मेरे को मेरी माँ की सर एक बात बहुत अच्छी लगती है, मेरी माँ मेरे को एक ही चीज बोलती थी बेटा जिंदगी में ना कभी किसी को ना मुंह से जवाब मत देना, अगर तुम्हें जवाब देना ना तो काम से जवाब देना, अगर मुंह से जवाब दोगे तो सिर्फ बहसा बहसी होगी और कुछ नहीं होगा, अगर आप काम से जवाब देंगे ना तो दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। तो मेरी सर शुरू से फितरत है मैं भाषा भाषी में नहीं रहता हूँ, तर्क वितर्क में नहीं रहता हूँ, मेरी आदत है हाँ भाई तू बोल रहा है तू सही है, मैं अपने काम से तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं, तो वो है। तो फादर बोलते थे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कभी टेंशन नहीं लिया, सभी लोग बोलते थे कुछ नहीं कर पाएगा, और अच्छी बात है कि जो कुछ नहीं कर सकता आज उसके बारे में लोग सुन रहे हैं, तो ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती, मेरे लिए सर ये बिग अचीवमेंट है। जी सर दैट्स ग्रेट सर, बिल्कुल तो ये बात मुझे याद आ रही है एक आपकी बात से कि अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, कोशिश भी मत, बिल्कुल बस सही बने रहो, वक्त खुद ब खुद जवाब दे देगा, तो ये वक्त है जो आपका सभी को जवाब दे रहा है आज की तारीख में कि आप खुद ब खुद सही बने रहे, लेकिन इस सही पे आपने क्या क्या किया वही जानकारी लेने के लिए हम आज यहाँ पर बैठे। सर अगर मैं सफाई देने जाता सही किया सुरजीत जी मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, अगर आप सफाई देने के लिए लाइफ में जाएंगे ना हजारों लोग हैं, किस किस को आप सेटिस्फाई करेंगे, किस किस को आप सफाई देंगे, बेहतर है हजार लोगों को जवाब देना या बेहतर है खुद को प्रूफ करके दिखाना, दोनों चॉइस आपके पास है, या तो आप हजारों लोगों को माइक लेके जवाब देते रहो मैं सही हूं मैं सही हूं, या तो आप कुछ ऐसा काम कर दो कि वो आपको सही मान लें, दोनों आप पे डिपेंडेंट है। मैं तो सर एक लाइफ में एक चीज जानता हूं, अगर आपने लाइफ में अगर कोई गलत फैसला भी ले लिया तो उस फैसले के पीछे इतना मेहनत करो कि उसको सही साबित करके दिखा दो, मैं तो इतना जानता हूं, बाकी आप पे है कि आप बाकी लोग क्या करते हैं ये तो मैं नहीं बोल सकता हूं। बिल्कुल सर बताइए सर,
आपका सपना क्या था सर? मतलब स्मार्ट वैल्यू तो चलो आप आए, लेकिन स्मार्ट वैल्यू क्या आपका सपना था स्मार्ट वैल्यू में आना, या पढ़ाई करने के बाद और सर स्मार्ट वैल्यू में तो आने से पहले दिल में तो सर एक चीज रहता है ना कि हम जब आदमी जब छोटा रहता है ना सर, बड़ा कंफ्यूज में रहता है जी। कभी वो सोचता है कि यार ये भी कर ले, कभी सोचता वो भी कर ले। तो मेरे लाइफ में भी कुछ वैसे ही था, फ्लक्चुएशन था। कभी सोचता था सीए बन जाऊंगा, कभी लगता था गवर्नमेंट जॉब करूंगा, कभी लगता था क्रिकेटर बनू, कभी किसी ने तारीफ कर दिया तो लगता था कि यार जाके एक्टिंग करूं। तो वो वाली लाइफ होती है सर बचपन की। आपका भी एक गोल नहीं होता, गोल तो तब आदमी का बनता जब मैं सिस्टम में आया तो पता चला कि यार गोल बनाने हैं आपको, एक जगह पे काम करना है। सर आज का डेट में जो युवा है ना, वो सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम यही है, कंफ्यूज है अपने लाइफ को लेके, क्या करना है, एसएससी का फॉर्म भरे कि बैंक का फॉर्म भरे, कि क्रिकेट जाके खेले, कि जाके इंस्टा में रील बनाए। तो ये कंफ्यूजन वाली है सर। ये मैं सर एक चीज बोलूंगा कि आप 10 जगह पे गड्ढा खोदेंगे ना, पानी कहीं से नहीं आएगा। एक जगह पे अगर करेंगे ना 110% पानी आएगी। तो वही चीज है सर, लाइफ सर फ्लक्चुएशन वाली थी। एक होती तो मैं आपको बताता, पिक्चर देख के आया तो लगता था साला हीरो ही बनना है, बॉडी बनानी है अपना। क्रिकेट देखा, अब सचिन तेंदुलकर को बैट करते हुए देखा तो लगता था कि यार जाए हम भी जाके, कल से बस क्रिकेट खेलना है और कुछ नहीं करना है। तो सर ये सब जो थे ना सर, वो दो पल का जोश था जी। हकीकत बात यही है सर, दो पल का वो जोश था। और हर इंसान के अंदर में ये दो पल वाला जो मोटिवेशन आता है ना जी, यही इंसान को ले डूबता है। तो मेरे को लगता है कि सर दो पल का मोटिवेशन कभी भी लाइफ में कुछ नहीं है। और मेरे को सर सच्चाई बताऊं तो मेरा एक ड्रीम नहीं था कि मैं एक चीजों को लेके बोलूं, जो देखा बस मन में बन गया कि यार वही करना है जी सर। लेकिन जैसे मैंने बोला कि घर वाले चाहते थे कि हाँ यार एक अच्छा जॉब करे, अपने लाइफ को सेटल करे। हर माँ बाप सर यही चाहता है, कोई भी माँ बाप आज, अगर कोई पेरेंट्स भी इस अगर देख रहे होंगे तो हर माँ बाप यही चाहता है। लेकिन मुझे लगता है कि सर आप अपने बच्चों को मौका दें, हो सकता है कि आप जो बच्चों को मौका देंगे वो आपको चौंका देगा। तो शायद मेरे को लगता है कि जो है मिलना चाहिए मौका। और एक ड्रीम नहीं था सर, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। लगता था जो दिल में देखा अगला दिन लगता था वही करना है। ये चीज थे, बचपन वैसे ही बीता। तो आपका बचपन बिल्कुल ऐसा गुजरा कि डायरेक्शन नहीं था बिल्कुल, कोई डायरेक्शन, जो मन किया जो मन किया वो कर लिया, जो मन नहीं किया वो नहीं किया। तो ऐसा बचपन की कंफ्यूजन भरा। और आपने पढ़ाई करी, पढ़ाई भी जैसे जैसे तैसे पढ़ाई करी, आपका दिल नहीं लगता था पढ़ाई में। तो बचपन काफी जैसे नॉर्मली एक नॉर्मल बच्चे का होता है बचपन, वैसे ही सर। जब मैं एक इंसिडेंट, जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में आया तो 3 महीने तक तो मुझे क्लास नहीं पता था कि मेरी कौन सी क्लास है। मैं क्लास के अंदर ही नहीं गया 3 महीने तक, स्टार्टअप किया 3 महीने तक क्लास के अंदर ही नहीं गया। और आप सभी को पता होगा सर, गौसनर कॉलेज, वहीं से महेंद्र सिंह धोनी भी पढ़े हैं। तो क्रिकेट में इस लेवल का रुझान थे या फिर खेलने कूदने में, 3 महीना तक तो क्लास का मुंह भी नहीं देखा। ठीक है, 3 महीने के बाद जब दोस्त ने बताया यार ये तुम्हारा क्लास है, तो उस तरीके से। लेकिन हाँ ये था कि पेपर सारे लिखे, ठीक है। और जरूर मैं सर कुछ गुरु का जरूर नाम लेना चाहूंगा, हमारे एक रविंदर सर थे और अशोक चौबे जी एंड रामाशंकर जी थे। तो सर मेरे उनसे इतने अच्छे रिलेशन थे कि एग्जाम के दिन एक दिन बिफोर मैं उनके पास जाता था और मैं बोलता था सर आप कहानी की तरह मुझे पढ़ो सारे आंसर, मैं फिट करके जाऊंगा और वही लिखूंगा। तो वो कहानी की तरह रात भर अपने बच्चों को छोड़ के, इतनी इंटरेस्ट थी उनके रविंदर सर जी के। तो वो था, और एक मेरा फ्रेंड था यशवंत। तो उनके कारण जो है सर मैं, मेरी जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट हुई। मैं जरूर बोलना चाहूंगा इस बात की, जैसे टीवी में दिखाते हैं कि स्टंट कोई दिखाते हैं, बाइक चला रहा है उड़ा रहा है, तो उस पे लिखा होता है कि इसको घर पे ट्राई ना करें। तो बिल्कुल ऐसे सर की बात है, इसको आप लोग ट्राई ना करें। बीकॉम नहीं कर गए 3 महीने क्लास, लेकिन आप लोग जाइए ऐसा बने आप लोग बिल्कुल। सर एक्चुअल में मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मैं तो सर इंटर के बाद ही स्मार्ट वैल्यू में आ गया। तो मैं तो ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन में रहता था, ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन से फ्री हुआ तो आपके पास, आप ये मत करना भाई, ठीक है। वो तो मेरे ट्रेनिंग थी, कभी पटना जाना रहता था, कभी जो है उस समय मोतिहारी या अदर जगह पे जाने रहते थे, तो टाइम नहीं मिल पाता, वक्त नहीं था। लेकिन एक लाइफ में था कि यार डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है।
तो जो है डिग्री के रीजन से मैंने जो है पेपर लिखे या वो किए कि अपने पास में डिग्री, मेरा तो सर इंटरेस्ट बोलते हैं ना फर्स्ट लव, तो मेरा फर्स्ट लव तो स्मार्ट वैल्यू था, तो जब स्मार्ट वैल्यू में आ गया उसके बाद मुझे कुछ नहीं दिखा, ठीक है। तो ये था कि हाँ जो है बस जो है एक गार्जियन मेरे फादर का या मदर चाहते थे कि हाँ यार कम से कम मेरा बच्चा को ये ना बोले कि यार ये हाई स्कूल या इंटर है, लोग उसको बोले कि हाँ इसने डिग्री ली है, तो वो वाली थी बात। तो 17 साल हो गए आपको इस बिजनेस में ऑलमोस्ट स्मार्ट वैल्यू में काम करते करते, 17 साल पहले से आपके अंदर ये विजन बन गया कि स्मार्ट वैल्यू में ही काम करना है, स्मार्ट वैल्यू में ही सफल होना है, ये थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा मतलब कैसी ये कैसे विश्वास आपके मन में आया ये चीज? सर आर्थिक स्थिति, मेरे फादर जब मैं 8th क्लास में था तब से मेरे फादर का इनकम आना बंद हो गया टोटल पूरी तरीके से, तो जब इनकम आना बंद हो गया तो जिम्मेदारियां खुद के ऊपर आ गई। शुरुआत में जब फादर से पैसा आना जब बंद हो गया, बाहर रह के पढ़ाई कर रहा था, तो नौकरी के लिए हम दोनों भाई ढूंढे, ठीक है हम भी भैया भी, पहले तो हर महीने का 1800 रुपया मिलता था, 500 रुपया रूम का रेंट, 500 रुपया फूडिंग, 400 रुपया कोचिंग या इंस्टीट्यूट, बाकी का 400 रुपया से महीने का खर्च चलता। लेकिन जब फादर से जब पैसा मिलना बंद हो गया तो ये लगा कि पहले नौकरी ढूंढा जाए, तो सर नौकरी ढूंढने के लिए गया, तो जहां पे भी जाता था बोलता था सुबह 10 बजे और रात को 10 बजे तक छोड़ेंगे, या सुबह 9 बजे और रात को 10 भी बज सकता है, 11 भी बज सकता है, 12 भी बज। फर्स्ट टाइम लाइफ के अंदर में एक चीज समय आया, 10 से 10 अगर काम करूंगा तो होता 12 घंटा, ये 12 घंटा लोग बोलते पार्ट टाइम जॉब, तो मुझे लगता है फिर सर फुल टाइम जॉब तो 24 घंटे का होना चाहिए, और अगर मेरे को लगा कि अगर मैं पार्ट टाइम जॉब अगर मैं 12 घंटा दूंगा तो सर फिर तो मेरे अंदर इतना एनर्जी लेवल नहीं बचेगा कि मैं बैठ के पढ़ाई कर सकूं। तो शुरुआत में पढ़ाई करने के लिए ज्वाइन किया था कि यार कुछ पैसे आ जाए जिससे मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूं, इस मोटिव से आके ये सिस्टम में आके ज्वाइन किया। जब नौकरी कहीं नहीं मिली, उम्र एक कम था 16 साल था, हाई स्कूल पास किया था, आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, तो कम उम्र में कोई 1600-1700-1800 रेस्टोरेंट में काम, या तो वेटर का काम, या तो फिर मेडिकल स्टोर पे दवाइयां देने का काम, तो ऐसे छोटे छोटे जॉब उस समय मिल रहे थे। तो ऐसे करते करते सर जो है तकरीबन काफी समय निकल गया, मतलब समझ लीजिए 1 महीना। तो फिर ये जब सिस्टम में आया तब जाके जो है काम करना स्टार्ट किया। और सर मैं आपको एक चीज और बता दूं, मेरे बारे में बहुत लोग नहीं जानते, मैं सर मुझे लगता है कि स्मार्ट वैल्यू का सबसे बड़ा पनौतीमल इंसान अगर कोई होगा तो मैं हूँ, ये भी बात है, ठीक है। वो आपने अक्षय कुमार की हाउसफुल मूवी देखा है ना, कि यार कुछ भी करता है तो अगर ऐसा बंदा जो सोना को भी छू दे वो भी गोबर बन जाए, वो वाली मेरी हालत थी कि यार स्टार्टिंग का तो मेरा सर स्मार्ट वैल्यू में इतना बेकार बीता है जिसका मैं सोच नहीं सकता हूँ। पहले तो मैंने 200 लोगों को इन्विटेशन किया, 45 लोग आके काउंसलिंग भी सुने, मेरा कन्वर्जन रेट 0, 4.5 महीने तक कोई पेमेंट ही नहीं पाया, ये हालत। तो इस लेवल की जो है मेरे को बहुत सारे लोग यहाँ पे, मैं उनको लकी मानता हूँ कि वो स्टार्ट करते हैं, उनके ज्वाइनिंग्स आने लगते हैं, उनका बिजनेस बढ़ जाता है, पर मेरा हाल तो ऐसा था ना कि मैं तो जिसको भी इन्वाइट करता था वो मेरे को डायलॉग मारता था, मेरा सक्सेस देखेंगे तो एडमिशन करेंगे, तेरी बाइक देखेंगे तो एडमिशन करेंगे, तेरा चेक देखेंगे तो एडमिशन करेंगे। अरे भाई साहब जब मेरा चेक हो जाएगा, बाइक हो जाएगा, तो तू क्या किस लिए आएगा वहां पे तो वैसे स्टार्टिंग जो है मेरे को लगता था कि यार सबसे बुरी किस्मत मेरी है क्या। तो लेकिन सर एक चीज जरूर समझ में आता है, मैं आप सभी लोगों को जो लोग इस प्रोग्राम में जुड़े एक चीज जरूर बोलूंगा कि यार लाइफ में अगर आप जैसा चाह रहे हैं अगर वैसा हो रहा है तो बहुत बढ़िया, आप खुश मानिए, ऊपर वाले को शुक्रिया अदा कीजिए। लेकिन अगर आप लाइफ में जैसा चाह रहे हैं अगर वैसा नहीं हो रहा है तो और भी ऊपर वाले को थैंक्स बोलिए, क्योंकि आप जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है इसका मतलब उसकी प्लानिंग आप कर रहे हैं, और अगर आप जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है इसका मतलब आपका प्लानिंग ऊपर वाला कर रहा है। अगर आज मैं अपने प्लानिंग के अनुसार चलता तो सर आज कहीं पे 10-20 हजार हाइएस्ट मेरी जो औकात थी शायद मैं 25 हजार कमा लेता या 30 हजार कमा लेता, लेकिन आज का डेट में सर इस ऑर्गेनाइजेशन से सीलिंग टच किया, ठीक है आज इतने कुछ हो गए। तो मेरे को लगता है कि जैसा मैं चाह रहा था वैसा नहीं हुआ इसका मतलब ऊपर वाला मेरे को बेटर देना चाह रहा है। तो कभी भी लाइफ में मत घबराइए, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों करता है,
एक बात याद रखिए, वो ऊपर वाला आपको सबसे ज्यादा देना चाहता है, और जिस इंसान को ऊपर वाला सबसे ज्यादा देना चाहता है ना, उसी इंसान को ऊपर वाला सबसे ज्यादा टेस्ट भी लेता है। इसीलिए शायद मैं शुरुआत में पनौती मल था, शायद मेरा बिजनेस नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर वाला मुझे सबसे ज्यादा देना चाहता। और ऑलवेज सर एक चीज और जरूर बोलूंगा कि प्लीज ऊपर वाले को दोष मत दीजिए कि इतना खराब लाइफ क्यों दिया। आज आप हम सभी बहुत लकी है, आज आप ऊपर वाले को दोष देते हो। काश अगर ऊपर वाले को तब आप दोष देते जब आपके दो पैर के जगह पे एक पैर देता, या दो हाथ के जगह पे एक हाथ देता, या दो आंखों के जगह पे एक आंख देता, या आप सुन नहीं पाते, आप बोल नहीं पाते, तब आप ऊपर वाले को दोष देते। यार ऊपर वाले ने तो पूरी बॉडी बना के भेजा है, मेहनत तो आपको करना है। आपको सब कुछ करोड़ों का प्रॉपर्टी देके ऊपर वाला भेज दिया, और फिर भी आप ऊपर वाले को दोष दे रहे। आप सोच लो, आप ऊपर वाले को इतना याद करते हो, किसी दिन ऊपर वाले ने आपको याद कर लिया तो बोलेगा ठीक है आ जाओ ऊपर, या दो हाथ के जगह पे एक हाथ कर दिया आपको। तो मेरे को लगता है ना कि सर ऊपर वाले को दोष देना या ब्लेम करना या अपने माँ बाप को ब्लेम करना, सर मेरे को लगता है गलत है। मैं भी शुरुआत में सर बहुत पनौती मल था, बहुत मेरे को तो लगता है कि सर मैंने 18-20 एरिया चेंज किया होगा, तब जाके मेरे को एक सक्सेस मिला। रात भर सोचते रहता था कि क्या करूं, नहीं करूं, कैसे करूं, नहीं करूं, और बहुत सारे जगह पे काम किया, स्टार्टिंग किया रांची से, जमशेदपुर गया, डेयरी ऑनसोन गया, कर्नाटक गया, ठीक है रायपुर गया, बहुत जगह पे गया, लेकिन हर जगह पे जाके फेल हो जाता था। लेकिन एक ही चीज लगता था कि यार कोई दिक्कत नहीं, अगर स्मार्ट वैल्यू मेरे को मिला है ना तो पक्का मेरे को स्मार्ट वैल्यू में सक्सेस भी लिखा होगा। ये विश्वास था, इंटरनल विश्वास बहुत मायने रखता है। देखिए मैं अपनी माँ का नाम जरूर लूंगा, मेरी माँ एक बात और बोलती थी कि बेटा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो दुनिया का कोई ताकत आपको जिता नहीं सकता, लेकिन अगर आप अपने मन से नहीं हारे तो दुनिया का कोई ताकत आपको हरा नहीं सकता। तो बहुत लाइफ में उतार चढ़ाव आए, ठीक है, लेकिन कभी भी, या मेरे बड़े भाई वो हमेशा मोटिवेट करना कि हाँ भाई कर, तू कर सकता है। बहुत वो हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों को देखा, मेरे बाद वाले लोग आके ज्वाइन किए, उनका बाइक हो गया, कार हो रहे, मेरा नहीं हो रहा। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ऊपर वाला मुझे मर्सिडीज देना चाह रहा था, करोड़ों का घर देना चाह रहा था, इसीलिए इंतजार करवा रहा था। तो इंतजार कीजिए, वक्त को वक्त दीजिए, वक्त जरूर आपका बदलेगा, और धीरे धीरे करके जब अचीवमेंट होने लगे तो और विश्वास पार्ट बनता चला गया, और लगे और टाइम देने लगे। पहले पार्ट टाइम दे रहा था तो फुल टाइम का इनकम आ रहा था, फिर फुल टाइम देने लगा तो लाइफ टाइम का इनकम आने लगा, ठीक है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि इसको फुल टाइम देख के आप एक बार वर्क कीजिए, आपके लाइफ में जरूर चेंज आए, ये बात है। बिल्कुल जी सर जी। रजत जी कुछ काफी देर से चुप है, बोलना चाहते हैं सर, आपसे बात करना चाहते हैं। रजत जी ओवर टू यू। रजत जी राइट, थैंक यू सर। सर पहले तो मैं जितना आपको जानता हूँ, आपकी स्टोरी पूरी इंस्पिरेशनल है। ऑडिबल हूँ मैं ना? हाँ, ऑडिबल। मुझे सर जहां तक मालूम है आप लोगों के लिए रोल मॉडल है, इंस्पिरेशनल है। लेकिन एक चीज मैं सर पूछना चाहूंगा, जब आप स्मार्ट वैल्यू में आए, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है देवेंद्र सर ने आपको स्मार्ट वैल्यू में लेकर आए थे, तो क्या आपका ऑब्जेक्टिव था कि मैं स्मार्ट वैल्यू करूं, और फैमिली सपोर्ट कैसा था आपको कि मैं आपके पेरेंट्स किस तरह से सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो टफ टाइम था आपके लिए, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? देखिए सर मेरे को ऐसा लगता है ना कि सबसे ज्यादा अगर ये सिस्टम में ना करने के लिए अगर कोई निगेटिव मारता है ना तो फैमिली वाला मारता है। जब मैंने गोल सेटिंग बनाया तो मेरे सारे दोस्त लोग हंसते थे, ठीक है, मेरा मजाक उड़ाते थे। जब मैंने उनसे बोला कि यार मैं 6 महीने के अंदर मैं बाइक खरीद रहा हूँ, तो मेरे को दोस्त लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, अबे कौन सी बाइक खरीदेगा, पानी से चलेगा कि पेट्रोल से चलेगा, या किसी ने बोलता था अबे कौन सी खिलौने वाली बात कर रहे हो क्या। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स मिलते थे, और फैमिली का जहां तक ये हिसाब किताब था कि फादर को लगता था कि यार क्या कर रहा है ये बेकार काम, कुछ नहीं होने वाला है। वो मुझे दूसरों को एग्जाम्पल देते थे कि देखो फलाने का लड़का कहां से कहां पहुंच गया, उसकी गवर्नमेंट नौकरी लग गई, वो लड़का कहां से कहां पहुंच गया, तू क्या कर रहा है, दिन भर जो है इनवाइटीज डीडीज एंड यही सब करता रहता, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। तो मेरे को लगता है ना कि सर फैमिली का उस लेवल का जो सपोर्ट उस लेवल का नहीं था, फादर का
हाँ मदर का सपोर्ट था, वो भी कभी कभी निगेटिव हो जाती थी, इतना मेरा बेटा दौड़ रहा है कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि माँ का तो सर अपना लेवल का प्यार होता है ना, माँ को लगता है बस मेरा बेटा स्वस्थ रहे, खुश रहे, हेल्दी दिखे। तो माँ का रुझान जो है इसलिए था क्योंकि मैं जब शुरुआत में काम नहीं होता था, मैं टेंशन में रहता था, उस चक्कर में वो टेंशन में रहती थी, ठीक है कि यार छोड़ दे इससे अच्छा कुछ और काम कर ले, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो सर मिली जुली थी, कुछ उतना कोई खास नहीं था कि जो है बहुत ज्यादा सपोर्टिव था। शुरुआत में भैया भी मेरे लाइन पे है, मेरे भैया को भी लगता था यार ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है, कभी वो भी मेरे को मेरी हरकतों को देख के कभी वो भी पॉजिटिव हो जाते थे, कभी वो भी निगेटिव हो जाते थे, तो उस तरीके से था। बाकी जब ड्रीम का जब लगाते थे गाड़ियों का, घर का फोटो, या बड़े बड़े जब सपने हम लोग स्मार्ट वैल्यू में आते हैं तो बड़े बड़े सपने दिखाते अपने मोबाइल स्क्रीन पे लगाते हैं या घर पे पोस्टर लगाते हैं, तो जो भी लोग आता था हंसता था। सबसे ज्यादा अगर निगेटिव मेरे को किया है तो मेरे मामा जी बोलते ना, हर काल से मामा जी फेमस है। तो वही चीजें है कि जो है जब मैं उनका घर पे चप्पल देखता तो घर के अंदर नहीं घुसता था, कि मुझे समझ में आ जाता था कि आज खाना नहीं मिलने वाला, आज कुछ और मिलेगा, क्योंकि वो इतनी निगेटिव दे चुके होते थे कि भाई हट जाओ छोड़ दो। तो चाहे वो हो गया, चाहे किन्हीं को बिलीव नहीं था, विश्वास नहीं था, ये चीजें शुरुआत में हुई थी लाइफ के अंदर में। जब मैंने टू व्हीलर खरीद लिया तो फादर को खुशी नहीं मिला, फोर व्हीलर खरीदा यार ठीक है, जब घर खरीद लिया तो मेरे फादर मेरे को बोले यार तू ही तो मेरा लड़का है, तो पहले किसका लड़का था। तो शुरुआत में यार आदमी को बिलीव नहीं होती है, और फैमिली का उस लेवल का हम बोल सकते हैं कि रिस्पांस मिली जुली थी, ज्यादा निगेटिव वे में ही था। पॉजिटिव तो थोड़ा बहुत जैसे मदर करते थे या भैया का सपोर्ट था वो ज्यादा करते थे, क्योंकि भैया का डायरेक्ट स्पॉन्सर मैं था, तो वो चाहते थे कि ये बिजनेस करे, ठीक है, तो मोटिवेट करना, ट्रेनिंग देना, ये चीजें थी सर। एंड सर एक चीज और पूछना चाह रहा था कि जब आप ने ज्वाइन कर लिया, आपने आपने को पूरी तरह से इस स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म पे 100% देना स्टार्ट किया, तो आपको क्या लग रहा था कि क्या मैं यहाँ से सक्सेस करने के बाद आपको क्या डिफरेंस आया? आप जब ज्वाइन किए, आपने स्मार्ट वैल्यू में एंट्री किया, उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस स्टार्ट हुए, बताइए आपको क्या फीलिंग एक्स्ट्रा थी? बहुत कुछ, शायद जितना बोलूं शायद कम होगा सर। मेरे को लगता है कि सर मैं तो, मेरा फ्रेंड था, मेरे पास तो सर साइकिल भी नहीं थी। ऑनेस्टली अगर देखा जाए, मेरा फ्रेंड था लास्ट ईयर डेथ कर गया, साथ में ही ज्वाइन किया था, तो उसकी एक साइकिल रहा करती थी अश्वनी का, और वो मैं बैठता था आगे उसकी स्टेयरिंग पे, तो वो चलाता था और वो बैठता था तो हम चलाते थे। तो पहले तो उम्मीद थी कि काश एक साइकिल भी अगर कहीं से मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। तो साइकिल का उम्मीद रखने वाला अगर जो है, अगर साइकिल अगर खराब हो जाती तो मिल के पैसा दे के उसको बनवाते। तो लाइफ उस जगह पे था, लाइफ में कोई ऐसा नहीं था कि यार बहुत बड़ा मेरे पास में बाइक हो जाए या कार हो जाए या घर हो जाए, उस टाइप का कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ सर जरूर बोलूंगा, स्मार्ट वैल्यू में आने के बाद जो सपने देखे वो भी पूरा हुआ, और जो नहीं देखे वो भी पूरा हुआ। सच बता रहा हूँ, जो सपने देखे वो भी पूरा हुआ, जो नहीं, हर स्टूडेंट का सर सपना होता है, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ज्वाइन करता, दिल में लगता है यार कहाँ से अगर एक अच्छी बाइक होती तो मजा आ जाता। मैं सर दुर्गा पूजा में जब होते थे हमारे यहाँ, तो पंडाल लगते थे तो टिकट बिकता था लॉटरी का, तो उसमें बाइकें लगी रहती थी, तो मैं जाके 8-10 लॉटरी खरीदता था, पैसे बचा बचा के, कि काश एक लॉटरी लग जाए, एक बाइक आ जाए। आज मतलब 7-8 बाइकें, तो आज इतनी बड़ी चेंजेस है, जहां पे एक बाइक के लिए सोचता था 7-8 बाइक है। आज मेरे को लगता है कि सर जब मोबाइल आया, लोगों के हाथ में जब मोबाइल देखता था, मेरे को लगता था यार कितना नसीब वाला बंदा है ये। लेकिन लगा खुद को कोसने से तो कोई फायदा नहीं, स्मार्ट वैल्यू मिला। आज का डेट में सर 2-2 आईफोन, 1-1,25,000 का, 1-75,000 का, तो 2,00,000 रुपया का फोन जेब में लेके घूमता हूं, तो इससे बड़ी लाइफ में और क्या चेंज होगा। जो बंदा इकट्ठा करता था सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदने का, सोचता था सेकेंड हैंड मोबाइल भी अगर मिल जाए ना यार, तो मजा आ जाएगा, कम से कम यार बातें तो कर पाएंगे। और आज का डेट में वो बंदा अपने जेब में 2,00,000 रुपए का फोन लेके घूमता है, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी? कुछ नहीं होगा। कॉलेज के अंदर में एक सपना था, मेरे कॉलेज में एक लड़का था सिंगल जो कार लेके आता था,
तो लगता था कि यार ये कितना बड़ा पैसा वाला घर का होगा, ये कितना, इसके फादर कितना पैसा कमाते हुए कि इसको कार दिया है। काश मेरे फादर पैसा वाले होते, मुझे कार मिलता। जब स्मार्ट वैल्यूज आया तो एक चीज लगा कि कॉलेज खत्म करते करते कार से कॉलेज जाना है, ड्रीम बन गया सर, माइंड में सेटअप हो गया। बोले ना कि जब सटक जाती है तो अटक जाती है, वो बोला है कि मेरे अंदर में सर एक है कि भाई अगर लग गया तो फिर लग गया, फिर मेरे को कुछ नहीं दिखता, ना इफ ना बट, बस जुनून एक सवार हो जाता है। तो मेरे अंदर में एक जुनून सवार हो गया। और सर मैं बता रहा हूं, 16 साल की उम्र में ज्वाइन किया था, 16, 17, 18 साल की उम्र में 12 लाख रुपया का होंडा सिटी खरीदा था, जबकि उसकी शोरूम भी नहीं था रांची के अंदर में, और यूपी से गाड़ी मंगवाया था 38,000 रुपए एक्स्ट्रा देके, क्योंकि दीवानगी थी कि भैया जाएंगे कॉलेज तो होंडा सिटी से जाएंगे। तो मेरे को लगता है सर इससे बड़ी चेंजेस क्या होगी लाइफ के अंदर में, कि आपने एक सपना देखा कि यार आपको कॉलेज उससे जाना है, आपके फैमिली, आपके फादर फार्मर है, फादर की इनकम नहीं है, पिछले 14 साल से घर पे वो बैठे, एक रुपया की इनकम नहीं है, और आपको ने जो सपना देखा, आपने मेहनत किया और स्मार्ट वैल्यू से अपने कार खरीद के और इसको लेके चलाया, मेरे को लगता है सर बहुत बड़ा चेंजेस है लाइफ में। शायद जितना बोलूं शायद कम होगा। तो बाइकें हो गई, कार हो गई, ठीक है, फ्लैट, मेरे को लगता है सर बहुत, अभी सर ने बोला कि इतने कम एज का है, सर मैंने अपनी पहली घर 17 साल की उम्र में खरीदा 30 लाख रुपए की, स्मार्ट वैल्यू से 30 लाख रुपीज की पहली फ्लैट खरीदा था। ये बहुत अपने आप में सोचने की विषय है कि हम और मेरा फ्रेंड हम लोग घूमने के लिए गए, स्मार्ट वैल्यू में इतनी जोश उत्साह था उस समय, वहां पे चर्च कॉम्प्लेक्स एक मार्केट है, तो वहीं पे बिल्डर्स का फ्लैट का वो लगा हुआ था, तो हम और मेरा फ्रेंड हम लोग गए, तो बात ये हुई कि यार स्मार्ट वैल्यू कर रहे, चलो यार फ्लैट ले लेते। तो हम जैसा बंदा, जब हम लोग गए वहां पे शोरूम के अंदर में, तो बंदा बोला कि भाई क्या बात है, तो मैंने बोला कि यार फ्लैट ले लिए, तो मेरा शक्ल देखा, बोला पापा को लेके आ, इतनी छोटा है तू फ्लैट खरीदने की बात कर रहा है। बोले यार सर ये अच्छी लगती है स्मार्ट वैल्यू के अंदर में, जेब में भले 100 रुपया भी ना हो लेकिन लाखों का सपना देख सकते हैं, ये अच्छी लगती है मुझे सर स्मार्ट वैल्यू के अंदर में। और वो मुझे मजा आया, वो मुझे मजा आया कि यार अकाउंट में पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन थॉट था लेना है मतलब लेना है, ठीक है, नो इस नो बट। और 17 साल की उम्र में सर मैंने 30 लाख रुपए का फ्लैट परचेस कर डाला। बोला रिस्क नहीं लेना है, बोलते ना जो लाइफ में रिस्क नहीं लिया वही सबसे बड़ा रिस्क होता है, तो रिस्क लीजिए। अरे क्यों डरते हैं, मेरे पास भी नहीं था, आज बहुत कुछ है, ठीक है, डरते क्यों है, रिस्क लीजिए बिंदास, देखिए क्या होता है अपनी लाइफ में। आप डरेंगे ना कभी कुछ नहीं कर पाए, जिगरा रखना पड़ता है यार, जिगरा, जो होगा होगा, क्या होगा। मेरे फ्रेंड और मेरी डिस्कशन चली, अश्वनी जो मेरा फ्रेंड था, मेरे को एक ही चीज बोला, बोला यार कुछ नहीं यार, नहीं होगा नहीं होगा, चल यार 10% काट के पैसा तो देगा, ले लेते रिस्क। और बिलीव नहीं कीजिएगा, 2006 में पहली फ्लैट खरीदा, रिस्क ले लिया। और रिस्क का क्या हुआ, पहला 5,000 बुकिंग था और 30 दिन के अंदर में 45,000 रुपया देना था, 30,000 वो भी आ गया और खरीद लिया। इसी तरीके से स्टार्टअप हुआ, तो आज ये हो गई, दो दो फ्लैट खरीदा लखनऊ के अंदर में। और जब और क्या चेंजेस हुए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि घर की बात करूं तो मेरी एक, सर मेरी एक प्रॉब्लम है कि जब मेरे दिमाग में अगर कोई सपना घुस जाता है ना, तो चाहे रोड हो, चौराहे हो, यार मैं बस में हूं या ट्रेन में हूं, कहीं पे भी हूं, वो सपना ही मेरे माइंड में घूमते रहते। तो घर जब फ्लैट ले लिया, तो बात आई यहाँ पे विला की, मतलब बंगलों की। अब मैं लखनऊ के अंदर में था, मुझे सब तरफ में बंगलों ही बंगलों दिखते थे, मैं घर से निकला बाइक में तो बंगले दिखते जा रहा हूं, मेरे बगल से कौन गुजर गया मुझे नहीं पता, बस मुझे बंगले दिखते थे, ठीक है। तो बंगले लेने की बात आई, और उस समय इसकी कॉस्ट 2 करोड़ रुपीज है, 2 करोड़ से ज्यादा का बंगलो है मेरा। तो मेरे को, मेरे उस समय सर बोनस नहीं था कंपनी के अंदर, बोनस नहीं था। एक रिस्क लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। एंड मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि फ्लैट मेरा जो है मेरे वाइफ ने देखा था, और उसने मेरे को बोला कि यार ये ले लेते हैं। तो दिल में बड़ा वो हो रहा था कि यार इतना बड़ा, लेकिन फिर अपना कहावत याद आया कि रिस्क नहीं लिया तो वही सबसे बड़ा रिस्क है। और यकीन मानिए सर, मेरे पास में सिर्फ 6 लाख रुपीज था, और मैंने जाके बुकिंग कर दिया, डरा नहीं,
और धीरे धीरे करके कंपनी का पहला बोनस आ गया जहां पे 32,000 गोल्ड पे मिलने लगा, और जैसे ही फिर प्रेशर बना देने के लिए तो कंपनी का फिर गोल्ड पे 80,000 रुपए आ गया। और कैसे दिला गया लाइफ में पता नहीं चला। तो हर चीज लाइफ में सपने जरूर देखिए, पैसा मत देखिए, अकाउंट मत देखिए कि पैसे कितने हैं, अकाउंट में कितने हैं, सपने देखिए, रिस्क लीजिए। रिस्क नहीं लेंगे कोई फायदा नहीं होगा, रिस्क नहीं लेंगे लाइफ फिक्स नहीं होगा, समझे, रिस्क नहीं लेंगे लाइफ फिक्स नहीं होगा। तो मतलब यार, जब मैं बाइक खरीदने के लिए गया था, क्या था जेब में पैसे, उस 5,000-6,000 रुपया थे। नहीं, खरीदना है मतलब खरीदना है, कार का प्लानिंग बनाया, अकाउंट में पैसे नहीं है लेकिन प्लानिंग बनाया, खरीदना है मतलब खरीदना है, सोचेंगे ना।